बीसीसीआई ने किया कप्तान पद का फैसला, धोनी या रोहित को सौंपी जा सकती है कप्तानी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद कुछ लोग कप्तान बदलने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्व कोच अनिल कुंबले के कई विवादों की खबरों में वेस्टइंडीज दौरे से अचानक इस्तीफा दे देना इस बात का संकेत देता है इस समय टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इस कारण सभी लोग टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान विराट कोहली से इस्तीफे देने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ फिर से धोनी को कप्तानी देने की बात कही जा रही है। इस मामले में सौरभ गांगुली अपना पक्ष रखते हुए धोनी को एक बार फिर से कप्तानी सौंपने की बात सामने रखी है। गांगुली का कहना है कि कोच अनिल कुंबले को भारतीय टीम का कोच दोबारा से बनाया जाए, उनसे बेहतर कोच भारतीय टीम के लिए कोई और नहीं हो सकता। विराट कोहली को कप्तानी से हटाकर धोनी को कप्तान बनाया जाए जिससे टीम एक बार फिर से संतुलित हो। गांगुली ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि फाइनल के कप्तान धोनी होते तो चैंपियंस ट्रॉफी का नतीजा भी कुछ और ही होता और आज चैंपियंस ट्रॉफी भारत की शोभा बढ़ा रही होती। आपको बता दें कि कोच कुंबले ने भी इस बात पर अपना बयान देते हुए साफ किया था कि टीम सिर्फ धोनी की कप्तानी में ही संतुलित थी। धोनी के कप्तानी छूने के बाद से ही ये सारे विवाद हुए हैं। टीम इंडिया के कप्तान बदलने में कई पूर्व खिलाड़ी अपना पक्ष रख रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि बीसीसीआई 2019 वर्ल्ड कप से पहले किसे टीम इंडिया का कप्तान बनाएगी। इस मामले में रोहित को भी कप्तान बनाने की मांग उठी है, तो आने वाले दिनों में बीसीसीआई नए कप्तान का ऐलान कर सकता है। आपके हिसाब टीम इंडिया की कप्तानी किसे देना चाहिए? 1 विराट कोहली, 2 महेंद्र सिंह धोनी, 3 रोहित शर्मा।